सो ये वाले प्यारे से चूजे देखो, 36 डे ओल्ड चूजे, आज 36 डे चल रहा है इनका। मार्च 3 को निकले थे ये चूजे, तो ये इसमें इतने दिन में कितनी ग्रोथ आई ये एक देखो। और उसके बाद ये चूजों की मेल और फीमेल आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, कैसे पहचाने प्योर ओरिजिनल देसी में मुर्गा कौन सा है, मुर्गी कौन सी है, 1 महीने के बाद में कहकर ये देखेंगे। और एक बात क्या है, 4 किलो फीड, हम ये 13 चूजे निकले थे, आज को भी 13 है, एक की भी मोर्टैलिटी नहीं हुई। फिर क्या खिलाए इनको बोलिए तो, कंटिन्यू स्टार्टर फीड ही खिलाए और पानी में ब्रोटॉन दिए, फ्रेश पानी में ब्रोटॉन दिए। पिछला कौन सा वीडियो देखे हो आप, 47 डेज ओल्ड चूजों का देखे हो, और फिर ये 10 दिन 11 दिन बाकी है वो वाले चूजों के, उतने होएंगे ये या नहीं होएंगे ये देखते हैं। देखो मेरे भाई, कैमरा में अलग दिखेंगे, ज़्यादा ग्रोथ पे दिख सकते हैं, रियल में देखने से भी थोड़ा फर्क रहता। 13 चूजे मिलके 36 डेज में कितना खाना खाए, 4 किलो स्टार्टर फीड खाए, तो हिसाब से एक चूजा कितना दाना खा रहा मैं आपको स्क्रीन पे डिटेल से कैलकुलेशन कर दिया। अब स्क्रीन पे अच्छे से देखिए दोस्त, 1वें दिन से लेके 36 डेज तलक 13 चूजे मिलके 4 किलो दाना खाए। ये 4 किलो दाना खाए तो एक चूजा 36 डे तलक कितना दाना खा रहा, 307 ग्राम्स। कैलकुलेशन के साथ बता रहा हूँ मैं, आप भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी 36 डे तलक एक चूजे को कितना स्टार्टर फीड लग रहा, 307 ग्राम। 7 ग्राम वेस्ट भी चले गया तो क्या करो, 300 ग्राम्स तो दाना लगता। फिर यहाँ पे 50 रुपये में 1 किलो स्टार्टर फीड मिल रहा, तो 300 ग्राम को हम हिसाब करेंगे तो लगभग 18 रुपये तलक एक चूजे को अपन 36 डे यानी 1 महीना 6 दिन पालने में 18 रुपये खर्चा हो रहे ब्रूडिंग का और मेडिसिन का कॉस्ट छोड़कर। ब्रूडिंग का करंट का बिल थोड़ा बहुत आता, और ब्रोटॉन की टॉनिक रहती ना वो इस्तेमाल करते हैं उसका थोड़ा बहुत कॉस्ट आता। 13 चूजे हैं, 36 डेज में 4 किलो दाना खाए, ये याद रख लीजिए। अभी इनको पकड़ के वेट मशीन पर रखते हैं सारों को। अभी ये पार्टीशन में आपको एक कड़कनाथ का मुर्गा भी दिखेगा। ये कड़कनाथ का मुर्गा मैं बाहर से लेके आया हूँ, क्योंकि अपने फार्म के पास एक ही मुर्गा है कड़कनाथ का, तो और एक चाहिए बोल के मैं ये मुर्गे को लेके आया हूँ। शाम में फार्म के पास लेके जाते हैं ये मुर्गे को। चलो ये ट्राई में जल्दी जल्दी से मैं ये सारे चूज़ों को पकड़ता हूँ, पकड़ के डालता हूँ। मिलेंगे या ज़्यादा शोर करेंगे, घबराएंगे, अभी तो एक साइड पर मैं सबको लेके जाके आराम से पकड़ रहा हूँ, मिल जा रहे हैं सारे। चलिए मेरे भाई, अभी ये वाली बुट्टी में मैं सारे चीज़ों को ले लिया, और वेट मशीन यहाँ पे, ये वेट मशीन को थोड़ा सा चालू कर लेता हूँ। चलो ये हो गई चालू, तो अभी 0 ग्राम्स बता रहा मैं, धीरे से हाथ अंदर डाल के एक चूजे को ले रहा बाहर। ये वाला काला सा प्यारा सा चूजा है हमारे हाथ में, ये देखो मासूम सा चूजा, इसको क्या करता मैं वेट मशीन पे अभी रख देता, ऐसे रख देता। 142 ग्राम्स का ये वाला चूजा है, 142 ग्राम्स एग्जैक्ट, अभी देख रहे हो परफेक्ट है। इसको क्या करते हैं, हल्लू से उठा देते, चले गया एक। जिन्हें आप चूजों को मैं वेट चेक करते रहता हूँ। उसके बाद ये वाला कालू, ये भी दूसरा कालू है हमारे पास, इसको भी यहाँ पे रख दे रहा हूँ। 185 ग्राम्स का ये वाला चूजा है, 185, तो ये हो गया, अभी वो निकल गया। अभी दूसरे चूजे को ये आ गया, हमारा गुरु आ गया, गुरु, ठीक है, इसको अभी चेक करने वाले हैं हम। 216 ग्राम, माशाल्लाह अच्छा है, 216 ग्राम ये वाला प्यारा सा। 133 ग्राम ये वाला चूजा, 133 ग्राम चला भी। 140 ग्राम का ये वाला था, और ये वाला 149 ग्राम का ये वाला है, 145 ग्राम्स का ये वाला है, 115 ग्राम्स का ये वाला था,
154 ग्राम्स का ये वाला है, 119 ग्राम्स का ये वाला, 180 ग्राम्स का ये वाला चूजा है, 147 ग्राम्स का ये वाला चूजा, इसको भी चेक करते हैं। 105 का वो वाला है, सबसे छोटा है, यानी छोटे अंडे में से निकला है। यहाँ पर एक चूजा बड़ा एक चूजा छोटा क्यों रह रहा है बोली तो, जो बड़े अंडे में से निकलता ना वो चूजा, वो थोड़ा ग्रोथ में ज्यादा बड़ा रहता, वो ज्यादा खाने लगता, उसकी ग्रोथ जल्दी जल्दी होती रहती। जो छोटे अंडे में से निकलता ना वो चूजा छोटा रहता, थोड़ा थोड़ा खाते रहता, इसलिए उसकी ग्रोथ थोड़ा धीरे धीरे होती रहती है मेरे भाई। चलिए फिर अभी मेल फीमेल चूजे चेक करने के लिए हमें फिर एक बार ये चूजों को पकड़ना पड़ेगा। ये चूजों को पकड़ लिया हुए, इन चूजों को मेल कितने हैं इसमें से फीमेल कितने हैं ये देखेंगे। चलो इनको मैं फिर से ये वाली बुट्टी में डाल दिया। चलिए अभी ये प्यारे से चूजे को मैं पकड़ लिया हूँ, इसको ज्यादा घबराने मत दो, आराम से पकड़ो, पकड़कर थोड़ा सा इसके पैर पकड़कर उल्टा कर दो, इसको जमीन की तरफ सीधा रह रहा है ये, तो ये मुर्गा है दोस्त। जो सीधा रहेगा वो मुर्गा रहेगा कहकर अब फिक्स हो जाइए। टेढ़ा नहीं, मेरे हाथ के साइड उड़ रहा नहीं है ये, तो सीधा एकदम सीधा है, पहला लक्षण। और दूसरा लक्षण, इसके इसके ऊपर सिर के ऊपर देखो थोड़ी सी ताज निकल रही है इसको, ये अभी छोटा है और थोड़े दिन हुए तो दिखने लगेगी। तो यहाँ पर मैं पहले क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से मैं लटका रहा हूँ, तो नीचे साइड इसकी मुंडी कर रहा है, ना ही टेढ़े साइड कर, टेढ़ा नहीं कर रहा है, जैसे कि वीडियो स्टार्टिंग में बताया था मैं एक क्लिप आपको। तो अभी ऊपर इसकी ताज भी निकल रही, और तीसरा यहाँ पर पंख को ऐसे खोलिए, अच्छे से खोलिए, पूरे पंख को खोलना है, एक लेवल में दिख रहे हैं आपको इसके पंख पूरे, अच्छे से नज़र आ रहे हैं आपको, फिर एक बार दिखा देता हूँ। मेरी कोशिश यही रहती कि आपको अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझाऊंगा। कर देखो ऐसे ऐसे, अभी अच्छा दिख रहा है, देखो एकदम फर्स्ट क्लास, तो एकदम राउंड शेप में दिख रहे हैं आपको। एक तो थोड़े पंख छोटे नहीं, थोड़े बड़े नहीं दिख रहे, ठीक है, एक लेवल पे दिख रहे। एक तो सीधा रह रहा है मुर्गा, और पंख पूरे एक लेवल पे रह रहे, तो ये मुर्गे की निशानी है। तो इसको छोड़ते हैं, अभी दूसरे को ले लेते हैं। चलिए अभी ब्लैक कलर का चूजा भी मेरे हाथ में आ गया, आराम से जैसे पकड़ रहा हूँ वैसे पकड़िए, उल्टा करिए इसको, पैर पकड़ लीजिए इसके, तो ज़मीन के साइड देख रहा है, तो ये भी मुर्गा निकलने वाला है। तो अभी इसके सिर के ऊपर की ताज भी थोड़ी थोड़ी निकल रही है, बट छोटे चूजों को, दो महीने के अंदर के चूजों को उतनी बड़ी नहीं दिखाई देती। और पंख खोल रहा हूँ, पूरे एक लेवल में दिख रहे हैं आपको, तो ये मुर्गा है, देखो एक लेवल में, एक लेवल मतलब राउंड अच्छे से शेप में दिख रहा है। तो अभी और एक चूजे को ले लिया हूँ मैं हाथ में, इसको भी सेम पैर पकड़ लीजिए, आराम से उठा दीजिए, ये देखो ऊपर साइड आ गया है इसका सिर, यानी ऊपर साइड आ गई है ये, तो ये मुर्गी है, पहला मुर्गी का लक्षण। तो इसके पंख ओपन करते हैं हम, पंख एक लेवल में दिख रहे हैं या एक नीचे एक ऊपर दिख रहे हैं, यहाँ पर देखो पहले वाले जो मेरे इधर के हाथ के, मैं उंगली से बता रहा हूँ ना, ये वाले थोड़े हाइट पे हैं पंख, उधर के थोड़ा नीचे है, यानी लेवल में नहीं रहेंगे, थोड़े पंख डाउन में रहेंगे, थोड़े पंख हाइट में रहेंगे। अभी दूसरे चूजे को ले लिया हूँ, ये भी देखो मुर्गी है, जैसे कि राउंड शेप में हाथ के तरफ आ रही है पकड़ी। तो दूसरा प्रोसेस, पंख खोल रहा हूँ मैं, इसके पंख को पूरे एक एक पंख को अच्छे से खोलिए, पूरा खोलिए। तो ये देखो, तो इधर के मेरे राइट साइड की इधर के तरफ के पंख थोड़े बड़े दिख रहे हैं, पर मुश्किल रहता है मेरे भाई ऐसे पहचानना, क्या है यार, तो दो तीन महीने सबर करे तो आराम से अपन को पता चल जाता, फिर भी ये दो ही रास्ते ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग। तो इसको छोड़ते हैं और दूसरे चूज़ों को भी ले लेते हैं। ऐसे नहीं कि आप 100 चूज़ों को आप देख रहे हो तो 100 के 100 हाँ मुर्गी ही निकलना, 100 के 100 मुर्गियाँ निकलना बोल के नहीं है, हो सकता है तो एकदम परफेक्ट नहीं। ये देखो मुर्गी है, ऊपर ऊपर साइड आ रही है, ये मेरे हाथ के साइड आ रही है। इसके पंख ओपन करते हैं, तो यहाँ पर देखो इसके पंख इस तरीके से आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, इधर के पंख देखो हाइट पे दिखाई दे रहे हैं, जो मैं उंगली से बता रहा हूँ आपको, ये वाले पंख थोड़ा सा मैं आपको, हाँ अभी देखिए ये डाउन पे है, वो वाले पंख क्या है हाइट पे है, मुर्गी के ऐसे रहते हैं। ये देखो अभी अच्छा दिख रहे, देखो इधर के हाइट पे है ज़्यादा, और उधर के थोड़ा डाउन साइड पे थे, तो ये वाली मुर्गी निकलने वाली है।
तो थोड़ों को अच्छे से क्लैरिटी से समझ में आएगा अपन को, थोड़ों को थोड़ा मुश्किल होगा थोड़ा। अभी नेक्स्ट और एक चूजे को पकड़ लिया, ये देखो हाथ के साइड आ रही है, ऊपर उड़ रही है, तो ये मुर्गी का लक्षण है, सिम्टम्स है। और क्या करते हैं, अभी पर ओपन करते हैं, इसके पर भी ओपन करके देख लेते क्या होगा, ये मुर्गी होगी या मुर्गा होगा। पर देखो, पर भी इधर साइड के हाइट पे दिख रहे हैं एक साइड पे, और एक साइड के पंख डाउन पे दिख रहे हैं, अभी अच्छे से दिख रहे देखो यहाँ पर। इस तरीके से चूज़ों को मुर्गा है या मुर्गी है कहकर पहचान सकते हैं, जो मेरे हाथ में अभी बता रहा हूँ मैं, ये हाइट पे ये वाले पंख अभी जो दिख रहे हैं आपको, ये वाले डाउन में हैं, तो इस तरीके से पहचानते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर ज़रूर करना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना मत भूलना।